हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको स्टॉक का ये नोट काउंटिंग मशीन है, स्टॉक MC01। ये मशीन में एक प्रॉब्लम है, ये हम आपको बताएंगे कैसे इस मशीन को रिपेयर करना है। सबसे पहले हम ये मशीन को ऑन करके देखेंगे कि इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। ये मशीन बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है और एक अलग ही डिफरेंट टाइप का इसमें साउंड आ रहा है। ना इसका डिस्प्ले ऑन रहा है, ना मोटर ऑन हो रहा है। देखिए, मैं पावर प्लग लगाए हैं और इसको ऑन करता हूँ, इसमें एक अजीब टाइप का इसमें साउंड आ रहा है। ये साउंड आ रहा है तो हमें चेक करना है कि इसमें क्या दिक्कत है, जिसको हम आज आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहें, मैं आपको इसको रिपेयर करके बताएंगे कैसे ये मशीन सही होगा। तो सबसे पहले इस मशीन को हमने दो साइड होता है पैनल का, राइट लेफ्ट। तो पैनल जो होता है इसका, पैनल में देखेंगे कि किस साइड इसका जो है ना PCB होता है, मोटर होता है या ट्रांसफार्मर होता है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड आपको ओपन करके दिखाएंगे, जिसमें PCB बोर्ड होता है उसे चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, रेगुलेटर चेक करेंगे, जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम चेक करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और मैं इसको ओपन करके देखते हैं। हाँ, इसको ओपन करने के लिए यहाँ से देखिए, ये डिस्प्ले कवर खोलेंगे। यहाँ में साइड में ये बोल्ट होता है आपको, इस साइड में आपको तीन आपका स्क्रू है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। एक बोल्ट यहाँ होता है, एक फ्रंट में होता है और नीचे होता है, ये दो होता है। बॉटम साइड में इसको ओपन कर लिए, ये आपका ओपन हो गया। अब इसमें हमें पार्ट को चेक करना है कि इसमें क्या दिक्कत। मेन जो प्रॉब्लम जो साउंड आपका आ रहा है, ये बिल्कुल मशीन डेट मशीन है, ये नोट काउंटिंग मशीन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, एक होता है इसमें ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर सबसे पहला काम ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर चेक करने के बाद यहाँ पर एक होता है ये ट्रांजिस्टर होता है, इसको भी हम चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर होता है, यहाँ से चेक होता है, इसको चेक करेंगे। अगर ये भी सही है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है PCB बोर्ड से। तो हम PCB बोर्ड जो इसका मेन बोर्ड होता है, इसको हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके देखेंगे कि हमारा मशीन ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो फिर वीडियो में आप बने रहे, इसका हम PCB मेन बोर्ड जो होता है, मदर बोर्ड होता है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। ये जितने भी इसमें केबल है इसको रिमूव करेंगे और फिर नया एक मैं PCB ये नया मदर बोर्ड ले आया हूँ। जो भी यहाँ से आप जो भी आप इसमें से केबल निकालेंगे, उसी जगह पे आपको इस तरह से रिप्लेस करना है, क्योंकि आपका गलत जगह पे लग जाएगा तो फिर आपका एरर आने लगेगा। इसलिए आप इसमें से जिसमें से केबल निकालेंगे उसी स्लॉट में आपको इसको सेट करना है। इस तरह से आप इसको सेट करते जाएंगे। अगर इस तरह से मशीन में आपका प्रॉब्लम आता है तो आपको तीन चीज़ बेसिकली जो होता है वो आपको चेक करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे ये ट्रांजिस्टर जो होता है इसको चेक करना होता है, इसको आप चेक कर लेंगे। देन उसके बाद भी अगर ऑन नहीं होता है तो फिर आपको ये मदर बोर्ड ही रिप्लेस करना होता है। उसके बाद आप मदर बोर्ड रिप्लेस करके चेक कर लेंगे। तो हमारा ट्रांसफार्मर सही है, हमारा पावर रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी सही है। अब हम लोग जो है ना मेन मदरबोर्ड को रिप्लेस करके देख रहे हैं। तो ये स्लॉट में आप केबल लगा के चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर ये हमने जो पहले से जो मदरबोर्ड लगा हुआ था इसको हम लोग रिप्लेस कर लिए हैं। अब इसमें सारा स्लॉट में हमने केबल अटैच कर दिया। अब बेसिकली जो होता है ये होता है आपका UV सेंसर। इस UV सेंसर को यहाँ पे तीन केबल होता है, इसको सोल्डिंग करना होता है। तो ये आप ध्यान से देख लेंगे कि फर्स्ट टाइम जो यहाँ होता है इसमें 3 केबल का पोर्ट होता है, वाइट, रेड, ब्लैक।
तो रेड ब्लैक का कम्युनिकेशन एक साथ होगा और वाइट सिंगल होगा। तो सबसे पहला स्लॉट पे जो सोल्डिंग होगा वो आपका वाइट का होगा। तो हम इस तरह से आपके पास सोल्ड, इस तरह से इसको आप बोर्ड में इसको सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग कर लिए उसके बाद फिर इस मशीन को, इस नोट काउंटिंग मशीन को हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं। पहले जो बिल्कुल बंद था वो मशीन ऑन हो रहा है कि नहीं। फिर इसमें हम पावर, ये पावर सप्लाई दे के चेक करेंगे कि हमारा बिल्कुल, देखिए मशीन ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑन हो गया। तो हमारा मेन जो बेसिकली प्रॉब्लम था वो था आपका मदरबोर्ड से, तो हमारा मशीन बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब इसमें मैं नोट डाल के चेक करता हूँ कि हमारा मशीन चल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, हमारा ट्रांसफार्मर भी सही था, हमारा ट्रांजिस्टर भी सही था, जो भी कंपोनेंट था वो सही है। बेसिकली प्रॉब्लम जो था मेन मदरबोर्ड से था। तो अगर इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो। आप मदरबोर्ड इसको रिप्लेस करेंगे इसका, आपका ये मशीन सही हो जाएगा। अगर कोई भी तरह की परेशानी होंगे आप हमारा YouTube चैनल पे ये वीडियो देख के आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपका मशीन में अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे ये YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिखे अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करें रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए। थैंक यू सर।